जी जन, आपको खुश आमदीद कहते हैं रेडियो आवाज एफ एम 105 के लाइव स्टूडियो में और 10:38 वहां से आते हैं। इट्स मीन दैट 10:38 ऑन द डायल एंड हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, उनके नाम जरूर लेना चाहूंगा। और कौन कौन है हमारे साथ? दरक्षा भट्टी फ्रॉम बाग, हेलो भाई जी, कैसे हो? टॉपिक पे ये कहूंगी कि काम भी ऐसा नहीं जो करने से नफरत हो, और जब काम करना है तो फिर चाहे कोई भी हो। ओके वाओ, दैट्स रियली नाइस कि कुछ लड़कियों की ऐसी सोच है कि वो काम करने से डरती नहीं है। क्या बात है जी, क्या बात है। और आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, खूबसूरती खूबसूरत चेहरे के पीछे हमेशा गंदा चेहरा ही छुपा होता है, वाय? बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी लोग दूसरों की बात दूसरों को लूटने की इतनी एक्टिंग करते हैं कि अपनी इज्जत भी भूल जाते हैं और धोखा देते हैं, ऐसा क्यों? टेल मी भाई। ओए होए होए, लगता है जनाब लड़की जो है उसको किसी ने डिस्टर्ब किया है लाइफ में। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ मैसेजेस और हैं वो शामिल कर देता हूँ प्रोग्राम में। दानिया एंड कहती हैं, जी अफोर्डेड तो इजीली कर सकते हैं, बट मेरी मदर कहती हैं कि हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, जिसके लिए जिसके पास टैलेंट होगा वो कभी मुश्किल में नहीं आएगा। और बावरे सॉन्ग प्ले कर दें, वाओ दैट्स रियली नाइस। आपकी अम्मी बहुत सही कहती हैं कि इंसान के पास अगर कोई टैलेंट होगा तो डेफिनेटली उसको कोई परेशानी जो है वो कभी नहीं आएगी। एंड इसके अलावा कहते ने जनाब, हुनर जो होंगे इंसान फिर भी कितने ना कितने काम आ जाता है। साडे वर्गे बेली जड़े होंगे, अगर सानू कंपनी जॉब तो कट दे तो असं कोई होर काम नहीं कर सकते, सानू कोई काम नहीं आता। लेकिन अल्लाह माफ करे, कभी ऐसा हुआ नहीं है। सो आपकी अम्मी की बहुत अच्छी सोच है, आप अपनी अम्मी की सोच के ऊपर इम्प्लीमेंटेट करें, बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसा करना चाहिए। भाई सलाम भाई, माई मैमून हूँ भाई, मुझसे काम अच्छा लगता है, काश के उसके लबों पर हो कभी तेरा जिक्र। ये क्या लिखा है आपने? वैसे यार अगर आप मैसेज सही तरह से लिख दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हुआ करेगी। कहते जी दोबारा ट्राई करते हैं जी पढ़ने की, क्योंकि हम भी थोड़े कम पढ़े लिखे हैं इसलिए हमें भी पढ़ने में थोड़ी दुश्वारी होती है। और कहते हैं जी, काश के उसके लबों पे हो कभी तो जिक्र मेरा। यारो हम भी तो कह सकें कि तब्दीली आने रही, तब्दीली आ गई है। ओए ओए ओए, बड़ी ही कोई या बड़े ही कोई सियासी किस्म के आप लवर लगते हैं मुझे, कि जनाब जो कह रहे हैं तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। सभा थी हमारे साथ कहां से ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा जी जा वैरिया वे जा वैरिया, किथे जावे वैरी, और वैरिया नु किथे भेजन लगे सारे। चलो जी वैरिया गाना सुनने हैं ते फिर इस तो बाद वापस आवांगे, तुसी साडे नाल रहना क्योंकि इत्थे मैं कल्ला बैठा, तुहानू पता ही है मेनू डर बहुत लगदा, इतने जिन शिन भी आ जाते हैं ना, अब बाबू शेख वर्गे। अब बाबू शेख मेरा बहुत ही क्यूट सा दोस्त है जनाब, मुझे इस वक्त सुन रहा है बल्कि देख भी रहा है फेसबुक पे। लो जी शेखा ने एक दफा